हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बेसिकली आपको स्पेस प्लानिंग रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। तो व्हेनेवर हम स्पेस प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होगी। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, आप जब भी प्लान ड्राफ्ट कर रहे हैं या ड्राफ्ट कर चुके हैं ऑटोकैड में, तो उसकी सारी इंटरनल वॉल्स को डॉटेड में बना दीजिए या फिर एलिमिनेट कर दीजिए। डॉटेड वुड रियली हेल्प। आप उसे डॉटेड में करने के बाद वेन एवर यू डू द प्लानिंग, यू नो एग्जैक्टली कि आप कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, किस एरिया के आसपास खेल सकते हैं। सो यू नो कि संक एरिया है तो इस तरफ है, तो मैं इस तरफ ही थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर सकती हूँ। सो माई वर्किंग स्टाइल इज लाइक दैट, आई वुड रिकमेंड, इट इज क्वाइट हेल्पफुल। तो आप अगर ये सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखेंगे तो इट बिकम वेरी मच हेल्पफुल। द सेकेंड थिंग वुड बी इज, आप अपने क्लाइंट के पास ये जो भी रिक्वायरमेंट्स नोट डाउन करी है, उस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जस्ट मेक श्योर कि आप एरियाज डेजिग्नेट कर दे। ये एरिया है तो यहाँ पे बेडरूम आएगा, इसी के पास में उन्हें बेडरूम टू चाहिए, किचन इस तरफ चाहिए, लिविंग है तो वो एंट्रेंस की तरफ चाहिए, पैसेज है तो मैं अवॉइड करूँ, बीच में एक भी पैसेज ना बनाऊँ ताकि मेरी वो सारी स्पेसेस इंटरनली रूम्स के अंदर ही चली जाए। सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच वन यू नो नीड्स टू टेक केयर वाइल डिजाइनिंग। सो द सेकेंड थिंग वुड बी दैट। द वेरी थर्ड थिंग इज, आप ये सारी चीजें करने के बाद डायरेक्शंस मार्क कर दीजिए प्लान के ऊपर, किस तरफ नॉर्थ आ रहा है, किस तरफ साउथ आ रहा है। तो यू नो कि इफ दिस साइड इज माय नॉर्थ, आई डू नॉट हैव टू प्लेस माय बेड बैक बिकॉज इट्स नॉट एडवाइजेबल। सो यू कैन राइट डूज एंड डोंट्स। सो इफ दिस इज नॉर्थ, आप डूज लिख सकते हैं, डोंट्स लिख सकते हैं। तो इट बिकम्स वेरी मच इजियर कि आपको ये सारी चीजें इधर प्लेस नहीं करनी है। सो दिस इज द प्लान जो बेसिकली आज मैं आपको बताने वाली हूँ। दिस इज अ रेसिडेंशियल साइट अराउंड 705 स्क्वायर फीट। सो यहाँ से एंटर होने के बाद व्हाट आई डिड वाज, पहले मैंने ये डॉटेड लाइंस मार्क करी जो भी इंटरनल वॉल्स थी। इसे डॉटेड में रखने के पीछे का रीजन ये है दैट आई नो दैट दिस पर्टिकुलर एरिया इज माय संक एरिया। तो अगर मैं अपने बाथरूम्स को बड़े कर रही हूँ तो आई हैव टू प्ले विद इन दैट एरिया ओनली, दैट आई डोंट हैव टू गो मच बियॉन्ड दैट एरिया। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड। सो व्हाट वी डिड इज, हमने यहाँ पे एक पैसेज था उसको एलिमिनेट कर दिया। ये जो बाथरूम था वी एक्सटेंडेड इट टिल हियर, बाहर की तरफ से हमने एक वॉश बेसिन दे दी फॉर द डाइनिंग एरिया। अंदर की तरफ व्हाट वी डिड इज, एक ही तरफ सारे प्लम्बिंग की वो डाले, सामने की तरफ वी फ्यूज्ड इज अ WC एंड द वॉशिंग मशीन एरिया। इन प्लेस आर प्लम्बिंग दिस साइड, वी क्रिएटेड अ लेज वॉल एंड मूव्ड ऑल आर प्लम्बिंग टू द अदर साइड। सो आफ्टर डूइंग दैट इज वी प्लेस्ड आर directions in all the rooms, so we knew where to place what and where to place what not. ये सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखने के बाद I am pretty sure there are no hassles or you don't even need to have too many plans with yourself. I guess 2 to 3 options in this particular plan would be more than enough, and the client will definitely approve something or the other in the first meeting itself. So whenever we're designing, हम कभी कभार appliances के sizes client के पास से लेना भूल जाते, like we've left this much space, इसी के अंदर accommodate हो जाएगा। Please, it's a humble request, आप ऐसा ना करें। आप client के पास से पहले ही उनके microwave, उनके washing machines, उनके रेफ्रिजरेटर्स के साइजेस ले लीजिए ताकि यू लीव स्पेस अकॉर्डिंग टू व्हाट दे आर गोइंग टू बाय इन द फ्यूचर, एंड ताकि कंप्लीशन के टाइम पे यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आई रियली रिकमेंड आप यूज क्लोथ्स के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन रखें, बी इट जस्ट 10 to 12 इंचेस, बट डू लीव दैट पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड स्पेस, जस्ट लाइक इन दिस पर्टिकुलर रूम वी हैव लेफ्ट अ स्पेस हियर। आप कोई भी एक टुवर्ड्स द साइड वाला कॉर्नर पकड़ लीजिए और उतना छोटा सा एरिया रख दीजिए। एंड सो दीज वर फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर टुडे। आई होप आप सभी को पसंद आए हो। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो इफ यू वॉन्ट मी टू मेक मोर सच वीडियोज, एंड इफ आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज गाइज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाती रहूं। स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।